नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूँ मीनाक्षी कंडवाल। 72वें गणतंत्र दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 26 जनवरी के मौके पर एक बार फिर देश का दमखम दिखेगा। राजपथ पर गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह आयोजित होगा। लेकिन कोरोना संकट के बीच बाकी सालों की तुलना में इस साल कुछ बदलाव भी हुए हैं। ये बदलाव भी आपको बता दें क्या खास है इस बार की परेड में। दरअसल जो परेड का रास्ता है वो 5 किलोमीटर कम किया गया है कोरोना संकट की वजह से। आज विजय पथ से सिर्फ नेशनल स्टेडियम तक ही परेड होगी, लेकिन झांकियों को लाल किले तक जाने की इजाजत होगी। इस बार सिर्फ 32 झांकियां परेड का हिस्सा होंगी। आयोजन स्थल तक पहुंचने वाले लोगों की सुरक्षा जांच के लिए जवान पीपीई किट में तैनात होंगे। इसके अलावा राजपथ पर दर्शकों की संख्या भी सीमित की गई है। 25,000 के आसपास दर्शक आज मौजूद होंगे, जबकि बीते साल ये संख्या 1,00,000 या उससे भी ज्यादा हुआ करती थी। तो कोरोना संकट की वजह से बीते सालों जैसी भव्य परेड तो इस बार नहीं है, लेकिन मौजूदा वक्त में इन परिस्थितियों के हिसाब से जो भव्य परेड दिखाई दे सकती थी वो इस बार होगी। 25,000 दर्शकों को हालांकि अनुमति इस बार होगी, और ऐसे में 1,00,000 का जो आंकड़ा था उससे तो ये लगभग 1/4 ही है 72वें गणतंत्र दिवस पर। लेकिन आज का दिन इसलिए भी अहम है क्योंकि एक तरफ राजपथ पर देश अपना दमखम दिखाएगा, तो दूसरी तरफ क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा है तो आज किसान भी ट्रैक्टर परेड निकाल रहे हैं। हालांकि जब राजपथ पर समारोह पूरा हो जाएगा उसके बाद किसानों की यह परेड शुरू होगी, लेकिन ये अपने आप में एक ऐसी तस्वीर होगी जो इससे पहले नहीं देखी गई है। हालांकि परेड को लेकर जो किसानों का प्लान था उसमें भी अनुमति को लेकर एक खींचतान का दौर दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच दिखा, लेकिन आखिरकार पुलिस की तरफ से अनुमति दी गई, शर्तों के साथ ही अनुमति दी गई है। और इस बीच प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट कर देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट किया, नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।